हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंटी सिंगलिश चैनल। सो गाइस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की सीरीज में आज मैं लिख के आया हूँ बिल्कुल डिफरेंट प्रोवर्ब्स। वैसे ये प्रोवर्ब्स होते क्या हैं? इसका मतलब होता है कहावतें, यानी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, कहावतें और मुहावरे। और ये आपको तो पता ही है, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी बहुत यूज करे जाते हैं। तो आज मैं आपको दूंगा 12 प्रोवर्ब्स जो कि है बहुत यूजफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, नंबर वन हमारा जो प्रोवर्ब है, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपके घर में ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो घर में रह करके घर के सारे भेद बाहर बता रहा है, यानी कि घर में ही आप अपना एक शत्रु पाल रहे हैं। तो घर का भेदी लंका ढाए। ऐसा इसलिए लंका यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है विभीषण से। जी हाँ, रावण के भाई विभीषण ने ही सारे राज बताए भगवान श्री रामचंद्र को कि रावण की मृत्यु कैसे होगी, और लंका के भी सारे राज उन्होंने बताए। तो इसलिए घर का भेदी लंका ढाए, तब से ये कहावत ये फेमस है। तो घर का भेदी लंका ढाए से अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अ ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी। ट्रेटर मतलब होता है गद्दार, और ट्रेटर जो है वो सबसे खतरनाक, यानी कि एक ट्रेटर है वो ही आपका गद्दार जो है सबसे खतरनाक, सबसे बेकार आपका शत्रु होता है। तो अ ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी। नेक्स्ट देखते हैं, सच्ची बात चुभती है या सच कड़वा होता है। इसको दोनों ही बातें एक ही जैसी हैं, सच कड़वा होता है, सच्ची बात चुभती है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, यहां पर बिटर मतलब होता है कड़वा। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आपके ऐसे बहुत सारे हो सकता है जानने वाले हों, या फ्रेंड्स ग्रुप में भी हों, या नेबर्स हों, जो सीधी तरह से कई बार आपसे आपकी बात नहीं मानते हैं, और जहां आपने थोड़ी सख्ताई दिखाई और थोड़ी गर्मी दिखाई तो वो फिर समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा, वैसे भी कई बार रोड पर या फिर कई बार सोसाइटी में ऐसे कई ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो बिना पिटे हुए वो सुधरते नहीं हैं। तो ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स जो हैं वो बिना पिटे कोई बात मानते नहीं हैं। तो उनके लिए ये बना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, यानी बेवकूफ व्यक्ति के लिए डंडा जो है सबसे अच्छा लॉजिकल तरीका समझाने के लिए है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहावत तो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते रहते हैं कि भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जो बोओगे वही काटोगे। तो इसलिए जो बोओगे वो काटोगे, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, सेम है इंग्लिश में। तो इसका मतलब यही है कि जो बोओगे वो काटोगे। एज यू शो सो शैल यू रीप, एज यू सो सो शैल यू रीप। यहां पर सो मतलब होता है उगाना या बोना, और रीप मतलब होता है काटना। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा वही है जो अच्छा कार्य करे। गाइस, सकल सूरत से अच्छा हो लेकिन उसका समाज में कोई योगदान ना हो तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या कर रहे हैं? अच्छा वो है जिसके कार्य अच्छे हों। केवल हैंडसम होने से, अच्छा परफ्यूम लगाने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से आप हैंडसम नहीं हैं। आप हैंडसम जब हैं जब आप हैंडसम कार्य करें। तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, अच्छा वही है जो अच्छा कार्य करें। तो नेक्स्ट जो है जो प्रोवर्ब है वो अक्सर मेरे फादर बोला करते थे कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो गेहूं के साथ घुन पिसता है, यानी कई बार ऐसा होता है कि आपकी गलती भी नहीं होती लेकिन फिर भी आप ऐसी जगह पर खड़े होते हैं या ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं, केवल संगत की वजह से आप फंस जाते हैं। तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लेकिन इसकी जो इंग्लिश है उसमें गेहूं और घुन का कोई जिक्र नहीं है। उसकी इंग्लिश में ये रहेगा कि जब दो बैल लड़ते हैं तो घास को सफर करना पड़ता है, यानी उसको पीड़ित होना पड़ता है। When the two bulls fight, it is the grass that suffers. When two bulls fight, it is the grass that suffers. Next देखते हैं नंबर 7, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई आप वहीं मान लो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे, और आपने देखा वहां पर कि आपका इंटरव्यू तो अभी एक घंटे बाद आने वाला है, लेकिन तभी आपने देखा कि बगल में एक मॉल में सेल चल रही है, और बस फिर क्या था, आप वहाँ पर शॉपिंग करना आपने शुरू कर दिया। आपने कहा चलो एक घंटा है, एक घंटे बाद तो इंटरव्यू देना ही है, जब तक मैं शॉपिंग ही कर लेता हूँ। तो बहती गंगा में आपने भी हाथ धो लिया। तो ऐसे ही कुछ समझिए
कि बहती गंगा में हाथ धोना मेक द बेस्ट ऑफ एवरी चांस, मेक द बेस्ट ऑफ एवरी चांस, यानी ट्रेन नदी में गिर गई वही नहाना शुरू, किसी भी चांस को जाने नहीं देना, तो बहती गंगा में हाथ धोना इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, यानी नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब है नंबर 8, धन से धन कमाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी बोलते आए हैं, पहले से हमारे को बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं कि देखो भाई पैसे से पैसा बनता है, है ना, तो धन से धन कमाया जाता है। लेकिन मेरा मानना है ज्ञान से भी धन कमाया जा सकता है, और ज्ञान के आगे तो धन की कोई वैल्यू भी नहीं है, और धन तो अपने आप ही आता है ज्ञान के पीछे पीछे। आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो वैसे धन से धन कमाया जाता है, मनी मेक्स मनी, वेरी सिंपल, मनी मेक्स मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, जितनी चादर उतना पैर पसारे। ये कहावत मेरे गांव में बहुत फेमस है, मेरे विलेज में अक्सर मैं लोगों को कहते सुनता हूँ कि भाई जितनी चादर हो उतने पैर पसारिए। और मेरे एक स्टूडेंट है वो तो कहता सर हम क्यों ना चादर को ही बड़ी कर लें, ये भी वैसे अच्छा ख्याल था। तो वैसे जितनी चादर उतना पैर पसारे, इसको हम अंग्रेजी बोलेंगे कट द कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट द कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। तो यानी अपना कोट जो है, अपने क्लॉथ जो आपका पास क्लॉथ है, कपड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही कट करवाएं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 10, परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये तो आपने मूवी में भी देखा होगा, सुना होगा कि परमात्मा जब भी देता है, जब भी ऊपर वाला देता है, देता छप्पड़ फाड़ के, आई थिंक एक सॉन्ग भी है। तो व्हेन गॉड विल्स ऑल विंड्स ब्रिंग रेन, व्हेन गॉड विल्स ऑल विंड्स ब्रिंग रेन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भगवान की इच्छा होती है तो सारी हवाएं, विंड्स मतलब हवाएं, रेन लेकर के आती हैं, बारिश लेकर के आती हैं। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यानी सेंटेंस नंबर 11 जो है हमारा, कि समय सब घावों को भर देता है, समय सब घावों को भर देता है। कहते हैं कि किसी की मृत्यु पर मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक और माँ सबसे अधिक रोती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि समय सभी घावों को भर देता है। तो समय सभी घावों को भर देता है, हम एक साल के सभी त्यौहार छोड़कर अगले त्यौहार मनाने लग जाते हैं, तो ये समय ही है जो हमारे दुख को कम कर देता है। उस समय में बहुत दुख होता है जब घर में किसी की मृत्यु होती है, लेकिन कुछ साल बाद फिर हम अपने आप को संभाल लेते हैं। तो समय सब घावों को भर देता है, टाइम हील्स ऑल द वाउंड्स, टाइम हील्स ऑल द वाउंड्स, या हील मतलब होता है भरना, वाउंड मतलब जख्म। नेक्स्ट और लास्ट है, जो बीत गई सो बात गई। भाई आपके फ्रेंडशिप में, आपके दोस्तों के बीच में कोई वाद विवाद हो गया हो, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया हो, तो अब आप उसको छोड़िए, आगे इसको कंटिन्यू करिए, फ्रेंडशिप को, दोस्ती को कंटिन्यू करिए, क्योंकि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बात भूल जाओ, और बात इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति को भूल जाओ, ऐसा मैंने सुना है। तो लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स। सो दोस्तों बताइए आपको सबसे अच्छा प्रोवर्ब कौन सा लगा, सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप भी अपने लाइफ में इनका यूज करिए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब हम इडियम्स और प्रोवर्ब्स का यूज करते हैं तो हमारी भाषा और बेहतरीन होती है, और लोग हमारे को अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो कैसा लगा अभी बताइए, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंटी सी इंग्लिश बुक, आप भारत के किसी भी कोने से फ्लिपकार्ट के माध्यम से एनटीसी की बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।